दोस्तों, कैसे हो आप सब? हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के अंतिम कुछ वीडियोस में से इस एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमें चर्चा करनी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से, जो आपसे कहता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अन्य किस नाम से हम जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने शुरू के 2 मिनट में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन के थ्योरी वाले सेक्शन में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्वेश्चंस ऑप्शंस तो दोस्तों कॉमन सेंस के बेस पर ही आप एलिमिनेट कर दोगे। प्रश्न क्रमांक दो आपसे कहता है एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमने दो चर्चा की थी, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस एन। हमने बात करी थी एक की कि जब आप नई स्लाइड बनाना चाहें और दूसरे की जब आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहें। तो मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग जब करेंगे जब आप नई प्रेजेंटेशन बनाने वाले हों, और जब आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तब आपके लिए कंट्रोल प्लस एम का उपयोग करना होगा। और दोस्तों यह विकल्प ऑप्शन नंबर ए हमें उपलब्ध करवाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एम प्रश्न क्रमांक दो का सही जवाब है। कंट्रोल प्लस एन भी आप याद रखें दोस्तों, कंट्रोल प्लस ओ भी आप याद रखें। किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग करते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर चर्चा करनी है एम एस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों दो फाइल एक्सटेंशन की चर्चा हमने करी थी, पीपीटी पीपीटी और पीपीटी एक्स की हमने चर्चा करी थी। तो दोस्तों यहां पर एक ऑप्शन हमें दिख रहा है पीपीटी, दोनों में फर्क क्या है कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। पीपीटी और पीपीटी एक्स मतलब डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स में क्या मेजर डिफरेंस है, आप हमें यह बताएं। थ्योरी वाले सेक्शन में बहुत विस्तार से मैंने आपको लिख करके बताए थे अंतर, तो अब आप कमेंट सेक्शन में उनको रिपीट कर दें। प्रश्न क्रमांक चार क्या बोल रहे हैं आपसे, प्रेजेंटेशन स्लाइड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं हेड आउट कहते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड को। प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, हमने फायर से याद किया था, F5, F4 5, F4 फायर। फायर मतलब आग लगी हो सीने में, भागने लगते हैं लोग, सीधी बात यह है ना, फायर से आग लगा देंगे पैर में तो दौड़ लगा दोगे आप, है ना, इस प्रकार से हमने याद किया था। तो दौड़ोगे रन करोगे, है ना, आग से रन कर लोगे। तो प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए हम F5 का उपयोग करते हैं। हमने इसको ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक के माध्यम से याद करने का प्रयत्न किया था। प्रश्न क्रमांक छह आपसे बोल रहा है दोस्तों, आपके चयनित एमएस पावर पॉइंट में पद जिसे हम टर्म कहते हैं या वाक्यांश जिसे हम फ्रेज कहते हैं के लिए आपको सर्च रिजल्ट प्रदान करने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सर्च रिजल्ट प्राप्त करने के लिए दोस्तों हम स्मार्ट लुकअप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर हमें चर्चा करनी है प्रश्न क्रमांक सात की, आपसे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट में F1 कुंजी का क्या काम होता है। तो दोस्तों F1 का उपयोग हम करते हैं ओपन करने के लिए हेल्प विंडो को, सबसे पहले ही हेल्प मांग ली, F1 में ही हेल्प मांग ली, ऑप्शन नंबर बी। सहायक विंडो खोलने के लिए हम F1 कुंजी का उपयोग करते हैं पीपीटी में। फिर दोस्तों प्रश्न क्रमांक आठ आपसे क्या कहता है, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग क्या है। डेटाबेस में तो बिल्कुल भी नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग में दोस्तों हमने एमएस वर्ड पढ़ा था, स्प्रेडशीट में भी नहीं दोस्तों, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। कॉमन सेंस के आधार पर आप आंसर करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक नौ का नंबर आता है दोस्तों, जो आपसे कहता है एमएस पावर पॉइंट में खाली स्थान आपकी जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक लेआउट बनाने के लिए उपयोग करता है जो आपके संदेश को फिट करता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय
स्लाइड्स को विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का हम उपयोग करते हैं। बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी दोस्तों, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन होता क्या है। एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर आप जाते हैं तो आखिर किस चीज को हम ट्रांजिशन कहते हैं, मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जाम्पल भी दिया था, आप मैंने आपको स्लाइड्स का भी एग्जाम्पल दिया था। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 11, पावर पॉइंट में फॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? दोस्तों इसका आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, घटाने के लिए लेस देन का उपयोग कर लेंगे, याद रखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इसका उपयोग पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, खाली स्थान शीट्स स्लाइड है जो सभी स्लाइड्स की थीम, लेआउट, पृष्ठभूमि, रंग, फॉन्ट और स्थिति के बारे में सभी जानकारी को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी शीर्ष स्लाइड है जो ये काम करती है? तो दोस्तों ऐसी स्लाइड को कहते हैं स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 13, पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर कैसे जोड़ें? तो दोस्तों इंसर्ट, फिर टेक्स्ट, फिर स्लाइड नंबर, इस प्रकार से आप स्लाइड नंबर जोड़ सकते हैं। इंसर्ट पर जाएं, फिर टेक्स्ट पर जाएं, फिर स्लाइड नंबर। प्रश्न क्रमांक 14, पावर पॉइंट में मैक्रो का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों मैक्रो का उपयोग हम करते हैं बार बार उपयोग में आने वाली जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 15, ऐसी स्लाइड जिसकी सामग्री प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में उपयोग की जाती है उस स्लाइड को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसकी चर्चा हमने की थी, उस स्लाइड को हम कहते हैं मास्टर स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 16 है, कंट्रोल प्लस जेड क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कंट्रोल प्लस जेड दोस्तों अंडू को प्रदर्शित करता है। प्रश्न क्रमांक और दोस्तों रीडू को कौन प्रदर्शित करता है कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 17, पावर पॉइंट में किसी भी और हर कमांड में पाया जा सकता है? बताएं दोस्तों पावर पॉइंट में किसी भी या हर कमांड में क्या पाया जाता है इन चार विकल्पों में से? तो दोस्तों मेन्यू बार तो हर कमांड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 18 है, लैंडस्केप क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लैंडस्केप क्या है दोस्तों? डिफॉल्ट पेज सेटिंग ओरिएंटेशन है एमएस पावर पॉइंट में, इस प्रकार से आपको स्लाइड मिलती है, इस प्रकार से आपको पेज मिलता है, लैंडस्केप मोड कहलाता है और डिफॉल्ट में सेव होता है, मतलब आपको मिलता ही मिलता है इस प्रकार से। आप इसको चेंज करना चाहें तो आपकी स्वेच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा ही मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे कहता है, पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का मतलब क्या है? रेडी टू यूज का मतलब दोस्तों हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, इसको हम बोलते हैं क्लिप आर्ट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 20 क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है? बताए दोस्तों डिफॉल्ट में हमें क्या मिलता है, लैंडस्केप मिलता है, पहले हमने चर्चा कर ली है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं थी, फिर भी लगा रहे हैं तो फिर आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए, है ना। प्रश्न क्रमांक 21, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? दोस्तों सामान्य व्यू हमने चर्चा की थी, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट व्यू होता है सामान्य व्यू, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 22, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2017 में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है? दोस्तों अधिकतम जूम प्रतिशत 400 और न्यूनतम है 10%, हमसे अधिकतम पूछा, ऑप्शन नंबर डी टिक कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 आपसे क्या बोल रहा है, एक एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? बताएं दोस्तों टेक्स्ट ऐड करने के लिए एमएस पावर पॉइंट स्लाइड में हम किसका उपयोग करते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग हम करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 24, एमएस पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों दो एक्सटेंशन की बात की थी हमने, .ppt और .pptx, 2003 और उसके पहले के वर्जन के लिए तो ये था, और 2007 और उसके बाद के वर्जन के लिए ये था। अब आपसे 10 का पूछ लिया, मतलब बाद वाले वर्जन की बात हुई, तो ऑप्शन नंबर सी .pptx इसका आंसर होगा। और ध्यान रखें दोस्तों 2003 या उससे पहले के वर्जन की बात करें तब आपको .ppt लगाना है, क्या लगाना है ध्यान रखें 2003 या उससे पहले के वर्जन की, है ना।
तब आपको आंसर करना .ppt और 2007 या उसके बाद के वर्जन में आपको आंसर करना .ppt x, यहां 2010 का पूछा था, तो आपने .ppt x ऑप्शन नंबर सी को टिक किया। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 25 की। अब आपको इस प्रश्न को नेस्तनाबूद करना है। कहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खाली स्थान का एक कलेक्शन है दोस्तों, केवल आउटलाइंस का ये तो होती ही है, केवल स्लाइड्स और हैंडआउट्स का ये भी होते हैं, केवल स्पीकर्स नोट्स का ये भी दोस्तों, सब कुछ होता है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सर्वगुण संपन्न हो गया दोस्तों। कुछ मिस्टेक है यहां पर, पेन नहीं चल रहा था, अब सही है, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 26 की। निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट व्यू नहीं है दोस्तों? नॉर्मल व्यू है, ठीक है, पेज व्यू दोस्तों हमने नहीं सुना, स्लाइड व्यू है, क्योंकि स्लाइड को पेज कहते हैं या पेज को स्लाइड कहते हैं, एक ही बात है, तो पेज व्यू नहीं है दोस्तों, आउटलाइन व्यू भी होता है, तो नहीं पूछा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी पेज व्यू आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 27 क्या बोल रहा है आपसे, किस फाइल फॉर्मेट को एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? बताओ दोस्तों, MP3 जोड़ लोगे आप, .wav जोड़ लोगे आप, .jpg जोड़ लोगे, सब कुछ जोड़ लोगे, कितने सारे एक्सटेंशन की हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लें, नहीं तो आंसर जोड़ने में दिक्कत होगी पेपर में। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी प्रश्न क्रमांक 27 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28 क्या बोल रहा है दोस्तों, प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, बताओ प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग हम क्यों करते हैं? तो दोस्तों प्रोजेक्ट डिस्प्ले सेमिनार में भी करते हैं, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में, रक्षा कक्षा, कहीं पर भी जहां आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, दुनिया की किसी भी जगह में, किसी भी क्षेत्र में आप प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग कर सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए, जो यहां नहीं लिखे उनके लिए भी। और साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक 29 क्या बोल रहा है, MS वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों Ctrl+Y, Ctrl+Z का बता दें दोस्तों आप हमें, इसका उल्टा होता है Ctrl+Y, तो Ctrl+Z कमेंट में बताएं किसके लिए उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 30 क्या बोल रहा है, स्पीकर नोट्स का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं आखिर स्पीकर नोट्स का उपयोग? तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के वक्त वक्ता को कुछ याद दिलाने के लिए स्पीकर नोट्स का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 31, स्लाइड निर्देशित करने के लिए लगाए गए स्पेशल इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों चर्चा करी थी, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आप जाते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 31 का एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 32 क्या बोल रहा है, पावर पॉइंट में ट्रिगर विकल्प होता है, कहाँ होता है दोस्तों ट्रिगर विकल्प बताएं? एनिमेशन में होता है दोस्तों ट्रिगर विकल्प, ऑप्शन नंबर बी 32 का सही जवाब। प्रश्न 33 आपसे क्या बोल रहा है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को देखने के लिए कीबोर्ड पर स्थित कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? स्लाइड शो देखने के लिए, स्लाइड शो को रन करने के लिए, रन मतलब भागना, कब भागोगे, आग लग जाएगी, आग कब लगेगी, फायर, फायर 5, इस तरीके से हमने याद किया था, ऑप्शन नंबर सी F5 जब आप प्रेस करोगे तो दोस्तों स्लाइड क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। इस प्रकार से आप लिंक करके याद करें, आपका उद्धार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 34, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड के जाने के बाद एवं दूसरे स्लाइड के आने के मध्य आप मोशन इफेक्ट डालने के लिए कौन से फीचर का उपयोग करते हैं? दोस्तों फिर से भाई फर्जी क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड ट्रांजिशन। दोस्तों बहुत विस्तार से चर्चा की गई है पिछले वीडियो में स्लाइड ट्रांजिशन के बारे में, जरूर देखें। प्रश्न क्रमांक 35 आपसे क्या बोल रहा है, स्लाइड में पिछले ऑब्जेक्ट में जाने के लिए क्या उपयोग करोगे दोस्तों बता दो? टैब का करते हैं आगे जाने के लिए, पीछे जाने के लिए हम करेंगे Shift+Tab का, बहुत विस्तार से चर्चा की थी इस बारे में भी। प्रश्न क्रमांक 36 क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 36 बोल रहा है पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर कैसे जोड़ते हैं? फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, स्लाइड नंबर पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से दोस्तों आपका MS पावर पॉइंट भी नेस्ता नाबूद हो गया पूरे तरीके से। अब आपकी ड्यूटी बनती है, आप कंप्यूटर को ओपन करें, MS पावर पॉइंट को खोलें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लें, थोड़ा सा चला के देख लें, ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, पानी जैसा साफ हो जाए सब कुछ। दिमाग से साफ होने की बात नहीं कर रहे दोस्तों, आपको समझ में सारी चीजें आ जाएं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो उम्मीद है आपके लिए हमारी इस सीरीज से बहुत लाभ हो रहा होगा, सारे एग्जाम्स में होगा जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है। यदि ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके
हमारा सपोर्ट जरूर करें और बने रहे दोस्तों हमारे साथ जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और दोस्तों रुकना नहीं है जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।